दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बड़ी खबर, बिहार में और बढ़ेगी ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के असर। जी हां, बिहार में लोगों ने गुलाबी ठंड का एहसास काफी पहले लेना शुरू कर दिया है और अब आगे आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान पहले से और नीचे गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। दीपावली से छठ के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। छठ के मौके पर बिहार के लोगों को हल्के ठंड वाले कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम तरफ से लगातार हवाएं बिहार के सभी हिस्से में प्रवेश कर रही है। इसके प्रभाव से हवाओं में ठंड के साथ नमी है। बड़ी खबर, छठ बाद घर घर जाकर लगेगा टीका। जी हां, पटना में छठ के बाद लोगों के घरों तक जाकर भी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे। जिला प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। जिले में कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है इसका डाटा प्रशासन के पास है। प्रशासन वोटर लिस्ट के आधार पर लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर चुका है। अब इससे जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लिया उनके घर तक स्वास्थ्य कर्मी पहुंचेंगे और उनसे इसे लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर वे वैक्सीन लेने के लिए तैयार हुए तो उसी समय उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी। बड़ी खबर, अब घाटों पर लगेगा कोरोना का टीका। हर बड़े घाट पर होगा कोरोना टेस्टिंग सेंटर, भीड़ में बीमार किए जाएंगे डिटेक्ट। जी हां, कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ घाटों पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जा रही है। हर बड़े घाट पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग के साथ वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग सेंटर की तैयारी में जुटा है। इन सेंटरों पर फर्स्ट एड के साथ कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जाएगी। घाटों पर टीकाकरण और टेस्टिंग को लेकर हर स्तर पर तैयारी है। घाटों पर स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ टीम होगी जो भीड़ में सर्दी खांसी वालों को डिटेक्ट करने के बाद कोरोना की जाँच कराएगी। एक बार, बिहार में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आ गया मौका। 18 वर्ष से कम उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन। जी हां, बिहार में चुनाव आयोग 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2022 में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नवयुवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार 1 नवंबर को राज्य की विधानसभा की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसी दिन से 18 वर्ष के ऊपर आयु के सभी मतदाताओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। युवा पहले से 30 नवंबर तक बीएलओ के माध्यम से आवेदन पत्र देकर विधानसभा के मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। साथ ही मतदाताओं को अपने नाम, पता और आयु में संशोधन कराने का अवसर भी मिलेगा। बड़ी खबर, जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं में दाखिले के लिए आवेदन 15 नवंबर तक, प्रवेश परीक्षा 9 अप्रैल को। जी हां, नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आयोजित किए जाने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 में सम्मिलित होने के लिए 31 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुई आखिरी तारीख अब 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में अभी तक आवेदन न कर पाए उम्मीदवारों के पास अब एक और मौका है। बता दें कि NBS द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 9 में प्रवेश के लिए JNBST 2022 का आयोजन 9 अप्रैल 2022 को किया जाना है। साथ ही आपको बता दें कि NBS द्वारा जारी JNBST 2022 कक्षा 9 प्रोस्पेक्टस के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय मंक शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्र छात्राएं आवेदन के पात्र हैं। एक बार, बिहार में बिजली की कीमतों में कमी का संकेत, आने वाले दिनों में टैरिफ और स्लैब में होगा बदलाव। जी हां, देश में कमर तोड़ महंगाई के साथ साथ बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के ऊपरी दोहरी मार पड़ी है। बिहार में बिजली की दर ज्यादा है और राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक काम की खबर सामने आई है। जी हां, आने वाले साल में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल पाएगी। इसके लिए विद्युत कंपनी टैरिफ और स्लैब में बदलाव करने का विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिल सकती है।
टैरिफ और स्लैब में बदलाव बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति के बाद ही संभव हो पाएगा। बिहार में घर बनाना हुआ महंगा, मजदूरी बढ़ने के साथ डीजल के गर्मी से ईंट हुई और सख्त। जी हां, बिहार में ईंट उद्योग पहले ही समस्याओं के मगरजाल में फंसा हुआ है। कोयले की कीमत में बेतहाशा वृद्धि, मजदूरों का पारिश्रमिक बढ़ने, बालू की किल्लत से बिक्री ठप पड़ने के कारण ईंट निर्माता परेशान है। अब डीजल की कीमत 104 रुपये प्रति लीटर से आगे निकल जाने से यह परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि ईंट की कीमत करीब 300 रुपये प्रति हजार बढ़ गई है। आपको बता दें कि राज्य में ईंट का भट्टे पर मूल्य 14,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति ट्रॉली है। एक ट्रॉली में 1500 ईंटें आती है। इस तरह से प्रति ट्रॉली ईंट की कीमत 450 रुपये सिर्फ डीजल के कारण बढ़ गई है। ईंट की बिक्री इस समय बालू की किल्लत के कारण दबी हुई है। बालू नहीं मिलने से निर्माण कार्य बंद है। आपको बता दें कि जो ही बालू की उपलब्धता बढ़ेगी, ईंट की मांग बढ़ जाएगी और इसका भाव भी तेजी से बढ़ेगा। बड़ी खबर, अब महिहाई भोजन योजना के दायरे में आएंगे प्री प्राइमरी क्लास के भी बच्चे। जी हां, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि महिहाई भोजन योजना के तहत प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे भी लाए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन निदेशालय को व्यापक जवाबदेही निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। खास तौर पर वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों को समझने की जरूरत है, ताकि 1,18,00,000 बच्चों को भोजन मुहैया कराया जा सके। उन्होंने यह बात अभिलेख भवन में रविवार को आयोजित महिहाय भोजन की वित्तीय प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। बड़ी खबर, दीपावली और छठ पूजा पर 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। जी हां, दीपावली एवं छठ महापर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की तैयारी में जुटा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल की ओर से कुछ और छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल पालन करना अनिवार्य है। पूर्व मध्य रेल की ओर से फिलहाल 14 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में चलाने की घोषणा की गई है। इससे लोगों को बिहार के पटना, दानापुर, सहरसा, जोगबनी, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार और बरौनी से दिल्ली, सरहिंद, नई दिल्ली, सिकंदराबाद, आंवला कैट और आनंद विहार आने जाने में ट्रेनों का विकल्प मिलेगा। उधर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य ट्रेनों में छठ तक किसी भी ट्रेन में सीटें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पर्व में बाहर से आने वाले व छठ के बाद जाने वाले परदेशियों को इन ट्रेनों से बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी खबर, छठ महापर्व पर ठंड और धुंध का दिखेगा असर। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। घाटों के किनारे सुबह अर्ध के दौरान होगी ठंड। जी हां, छठ महापर्व पर 10 और 11 नवंबर को ठंड के साथ धुंध का असर होगा। इस दौरान 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले हवाओं से पारा गिरेगा। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड के साथ धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम काफी सर्द हो जाएगा। हालांकि बिहार में दीपावली तक दिन और रात का तापमान स्थिर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दीपावली पर अधिकतम तापमान 28 से 33 और न्यूनतम तापमान 15 से 18 के बीच रहने का पूर्वानुमान है। एक बार, बिहार की 4 यूनिवर्सिटी में बढ़ी 18,899 सीटें। पटना, दरभंगा, भागलपुर और छपरा के कॉलेज शामिल। जानिए कहां बढ़ी कितनी सीटें। जी हां, बिहार की 4 यूनिवर्सिटी से प्राप्त सीट वृद्धि के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के कॉलेजों में अब कुल 18,899 सीटें हो गई है। आपको बता दें कि पटना साइंस कॉलेज में 60 सीट, पटना कॉलेज में 180 सीट, पटना विमेंस कॉलेज में 260 सीट और कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना में 15 सीट की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कॉलेजों में 10,200 सीटों की वृद्धि, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के 11 कॉलेजों में 3448 सीटों की वृद्धि और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के 19 कॉलेजों में 4736 की वृद्धि की गई है। बड़ी खबर, पटना में खुला मेदांता अस्पताल, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। बोले 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित रहेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जय प्रभा मेदांता अस्पताल में 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित शुल्क है, उसी शुल्क पर यहां इनका इलाज किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का भी यहां इलाज कम रेट पर होगा।
अवसर पटना में गंगा जल लेने के लिए नहीं जाना होगा नदी किनारे, व्रतियों के लिए मोहल्ले में होगी सप्लाई, तैयारी शुरू। जहां छठ पूजा में व्रतियों को सुविधा देने के लिए पटना नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आस्था के इस महापर्व के लिए लोगों को गंगा जल के लिए परेशान नहीं होना होगा। निगम मोहल्ले में शुद्ध गंगा जल की सप्लाई करेगा और अस्थायी तालाबों में भी गंगा जल डाले जाएंगे। छठ पूजा को लेकर पटना में प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। घाटों की सफाई शुरू हो गई है। वहीं घर में ही अर्घ देने वालों को निगम की तरफ से सुविधा देने की तैयारी है। व्रतियों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। गंगा जल के लिए लोगों को गंगा घाट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। छठ पूजा के दो दिन पहले ही सभी वार्ड में टैंकर से गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। बड़ी खबर, भारत माला योजना के तहत बिहार में 3 नए पथों का किया जाएगा निर्माण। जी हां, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि भारत माला योजना के तहत 3 नए पथों का निर्माण किया जाएगा। इसमें मुजफ्फरपुर से साहिबगंज जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर, रक्सौल से सोनबरसा जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर और रक्सौल से पेटही तक 65 किलोमीटर लंबी सड़क के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से सहमति बन गई है। मुजफ्फरपुर से साहिबगंज तक के पथ से पटना से बेतिया सड़क को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रक्सौल सोनबरसा सड़क दोनों व्यापारिक केंद्रों को जोड़ेगा और रक्सौल पेटही सड़क से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सीधे संपर्कता मिलेगी। छठ घाट पर बच्चे और बुजुर्ग नहीं जा पाएंगे। जानिए बिहार में छठ महापर्व की गाइडलाइन, घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग से करनी होगी पूजा। जी हां, लोक आस्था के महापर्व छठ पर कोरोना का साया होगा। संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार नई गाइडलाइन तैयार कर रही है। इसमें बाहर से आने वालों के टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर बड़ी प्लानिंग है। छठ महापर्व को लेकर बच्चों और बड़ों के साथ व्रतियों के लिए अलग अलग नियम होगा। इस नियम का सख्ती से पालन कराने को लेकर घाटों पर सीसीटीवी के साथ वॉच टावर बनाया जाएगा। व्रतियों को लेकर विशेष रूप से गाइडलाइन होगी, जिसमें छठ के दौरान गंगा में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बार सरकार अधिक से अधिक लोगों से घर में छठ पर्व बनाने की अपील कर सकती है। घाटों पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर ऐसी प्लानिंग चल रही है। भीड़ में कोरोना के खतरे को लेकर छोटे बच्चों को घाट पर जाने से रोका जा सकता है। वहीं बड़े लोगों के लिए मास्क का नियम प्रभावी रहेगा और घाट पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने को लेकर दबाव होगा। साथ ही सर्दी बुखार से पीड़ित लोगों को घर से ही छठ पर्व मनाने की अपील की गई है। बच्चे बीमार और वृद्ध लोग घाट पर नहीं जाने की अपील की गई है। छठ करने वालों को अर्घ देने के दौरान डुबकी नहीं लगाने को लेकर विशेष जोर रहेगा। गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को भी छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी जाएगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।